स्टूडेंट अब बात करते हैं हम चार्ज की, ठीक है ना। अब तक हमने ये देखा कि किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, अब आगे हम चार्ज और इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि चार्ज क्या है, व्हाट इज द चार्ज। तो बच्चों वैसे तो चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, बुक्स में क्लियर लिखा होता है कि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, किसी भी मैटर की फंडामेंटल क्वांटिटी है चार्ज, जिसके कारण जो चार्ज है उसी की वजह से जो बॉडीज है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है ना। तो वैसे चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती, तो हम केवल इतना लिखेंगे कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ चार्ज, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से जो बॉडीज हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। ये अपना चार्ज है। इसके बारे में अगर छोटी मोटी बात करें हम चार्ज का सिंबल, तो चार्ज का सिंबल बच्चों स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू होता है। बात करें इसकी यूनिट की, तो जो इसकी एसआई यूनिट है दैट इज कूलम, कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम। और जो सीजीएस यूनिट है दैट इज ईएसयू, ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ना। इनमें एक संबंध भी है, वन कूलम इक्वल टू 3×10⁻⁹ ES E, ठीक है। दो बातें हमारे पास यहां आ चुकी हैं कि व्हाट इज द चार्ज, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, ड्यू टू दिस बॉडी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सिंबल ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, एंड सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम, और दोनों में रिलेशन है 1 कूलम इज इक्वल टू 3×10⁹ ES E। इसकी जो बिगेस्ट यूनिट है चार्ज की, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है फैराडे, दैट इज 96500 कूलम। अब आप आगे देखोगे कि एक जो 1 कूलम है वो भी काफी बड़ी यूनिट होती है, तो इसको हटाने के लिए हम छोटी छोटी यूनिट काम में लेते हैं, जैसे कि माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम। जहां भी आपको माइक्रो नजर आ जाए, माइक्रो आप उसे 10⁻⁶ से रिमूव कर दोगे, नैनो कूलम 10⁻⁹, पिको कूलम 10⁻¹2, इन सब का हम यहां यूज करें। बात करें इसकी डायमेंशन की, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है I=Q/T, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है I=Q/T, तो यहां से जो क्यू निकल के आया वो आएगा आई टी, आई इलेक्ट्रिक करंट, इट्स यूनिट इज एम्पियर, एंड टी इज टाइम, इट्स यूनिट इज T1। तो मीन्स इसकी जो यूनिट निकल के आएगी M0, L0, T1 और A1, ठीक है। और साथ ही ये एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें जो हम जो भी प्लस और माइनस होंगे वो सारे एलजेब्रिक होंगे, जो आप सिंपल करते आए। तो आप नोट करें एक बार, हेडिंग लिखे आप सबसे पहले चार्ज, हेडिंग लिखिए आप सबसे पहले चार्ज, चार्ज में लिखे आप इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, चार्ज हेडिंग लाते चार्ज, और चार्ज में लिखे इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, ड्यू टू दिस बॉडी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ड्यू टू दिस बॉडी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, ड्यू टू दिस बॉडी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है।
रेडियल लिखते हैं अपन चार्ज की, वैसे तो कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, इट्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, ड्यू टू दिस बॉडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, एरो लगाइए और देखो सिंबल, सिंबल लिख दो चार्ज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, दोनों लिख दीजिए चार्ज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, चार्ज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। नेक्स्ट लिखिए आप यूनिट, नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप यूनिट, लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, ESU SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, और रिलेशन लिखिए 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में एनालॉग लिखिए, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, और नीचे लिखे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, 96500 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एवलॉग लिखे डायमेंशन, डायमेंशन हम चार्ज की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन में एवलॉग के डायमेंशन में ये लिख दीजिए M0L0T1A1, ये इसकी डायमेंशन है। अच्छा, जहां आपने यूनिट लिखी है ना, वहां साइड में ये भी लिख लेना, इनको भी लिख लीजिए कि माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम एंड पिको कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एरो आगे लिखिए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, नेक्स्ट लाइन में आप एरो लगाइए और उसमें लिखिए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना भाई चार्ज किसी क्वांटिटी है, स्केलर है ना। अच्छा, टाइप की बात कर ले, चार्ज कितने टाइप का है भाई, चार्ज दो टाइप का है, आपको पता है ना कि चार्ज करने के लिए हम करते क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करते थे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करने के दो तरीके हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। तो जब हम किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो वो बॉडी नेगेटिव बन जाती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं तो वो बॉडी पॉजिटिव बन जाती है। मींस देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो लिखिए इसमें आप टाइप, टाइप लिखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, देख लो फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, यहां तो हमने अब तक लिखा कि चार्ज व्हाट इज द चार्ज, और उसके बारे में कुछ उसका बायोलॉजिकल टाइप में कि सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या होती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है तो बच्चों वैसे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत सारी हैं, पर उनमें से जो दो सबसे मेन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आप कोई भी क्यों लिखो जो सबसे बढ़िया है वो लिखिए। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, ध्यान सुनो। आपने कंजर्वेशन लॉ पढ़े, फॉर एग्जाम्पल्स में बात करूं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की, कि एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया, सेम हम चार्ज कंजर्वेशन पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद, लॉ भी पढ़ेंगे इसको कि चार्ज कंजर्वेशन क्या है, कि चार्जर चार्ज नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चलो, मान लीजिए कि आपने दो बॉडी ली पहले, सपोज बॉडी ए और दूसरी बॉडी है बी, पहले दोनों न्यूट्रल थी, सब कुछ इसका चार्ज जीरो, इसका चार्ज जीरो, कुल चार्ज कितना आ रहा है जीरो। अब आपने दोनों को आपस में रब किया, मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन क्या एक इलेक्ट्रॉन, मान लो आप वन इलेक्ट्रॉन बॉडी ए टू बी मूव कर गया, तो चूंकि पहली बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहां चार्ज आएगा पॉजिटिव प्लस का ही, ये गया इसलिए, और यहां पर गया है तो माइनस का ही। किसी भी प्रोसेस से पहले इन दोनों का आवेश कितना था जीरो, और अब प्रोसेस के बाद इनका आवेश देखना, एक का तो प्लस ही और एक का माइनस ही, टोटल अभी भी कितना है जीरो। तो ऐसा बोलते हैं कि जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव। बाकी का इसका लॉ भी पढ़ लेंगे, फिलहाल प्रॉपर्टीज आप याद रखिए कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव क्वांटिटी। अच्छे से याद कर लेना कि चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, क्लियर। सेकंड हम बात करें तो दूसरी है इट इज ए क्वांटलाइजेशन क्वांटिटी। क्वांटलाइजेशन, क्वांटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किसी सरफेस पर दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पहला है कंटिन्यूअस और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस, लगातार और छोटे छोटे पैकेट के रूप में। जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा ना, तो ये जाएगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए आप कि जब हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आवेश या किसी बॉडी पर आवेश लाना है, तो आप कम से कम कितना आवेश ला सकते हो किसी बॉडी पर, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, तो बच्चों वो होगा प्लस माइनस ई, प्लस माइनस ई। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो कम से कम, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी होगा भाई। तो चार्ज की वैल्यू ऐसी होगी, देखो प्लस माइनस ई मिल सकता है, फिर प्लस माइनस टू ई मिल सकता है, क्या आपको प्लस माइनस 1.5 ई मिल सकता है, क्या हर वैल्यू का चार्ज पॉसिबल है। तो ध्यान रखना क्वांटलाइजेशन का मतलब है कि जो चार्ज जाएगा वो किसके रूप में जाएगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी दोनों बातें हम आने वाले लॉ में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ए क्वांटलाइजेशन क्वांटिटी, क्लियर। दोनों आप नोट कर लीजिए, पहले तो लिखिए हेडिंग में क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट लिखिए इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, एंड सेकंड लिखिए इट इज ए क्वांटलाइजेशन क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटलाइजेशन क्वांटिटी, क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, अब देखो चार्ज दो टाइप का बताया आपको मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत दीजिए, आप जानते भी होंगे कि लाइक चार्ज रिपल्स टू इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। फॉर एग्जांपल्स, यहां प्रोटॉन है, प्लस ही चार्ज है प्रोटॉन का, और यहां भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा इनके बीच में। और अगर एक प्रोटॉन होता और एक इलेक्ट्रॉन होता तो कैसा होता, अट्रैक्शन, पहला भी इलेक्ट्रॉन होता दूसरा भी इलेक्ट्रॉन होता तो भी क्या होता, रिपल्सन। तो आप जानते हो
तो तीसरी प्रॉपर्टी आप लिखिए, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी में आप लिखे प्रॉपर्टी नंबर तीन, इसमें लिखिए आप लाइक चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर तीन में लिखिएगा भाई लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू इच अदर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इट इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, सेकंड है इट्स ए क्वांटाइजेशन क्वांटिटी, एंड थर्ड इज लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर कान? अच्छा, इसी में एक दो क्वेश्चन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है वो सुनिए पहले, अगर किसी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो चार्ज है, पहला है चार्ज Q1 और दूसरा है चार्ज Q2। आपके पास दो चार्ज है, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकंड इज Q2। तो क्वेश्चन ये है कि इफ जो दोनों चार्ज है Q1 और Q2, एक बार तो इनका मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, एंड सेकंड Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो। दो क्वेश्चन में क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना कि वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2। इन दिस कंडीशन, इन दोनों कंडीशनों में पहली कंडीशन क्या है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, एंड सेकंड कंडीशन है Q1 Q2 लेस देन जीरो। फाइंड आउट द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है उसकी आपको नेचर बतानी है। नेचर का मतलब है कि वो फोर्स अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। एक बार आप स्क्रीन पहुंच करके सोचें कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2, उनका मल्टीप्लाई एक बार पॉजिटिव है और दूसरी बार उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव है, विच काइंड ऑफ फोर्स इनके बीच में वर्क करेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन, आप सोचिए। ठीक है, आंसर देखो, ये बोल रहा है कि Q1 और Q2 का गुणा जीरो से बड़ा है। आप सोचिए कि दो नंबर है मेरे पास और उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आता है, तो ये कब पॉसिबल है, दो नंबर का मल्टीप्लाई कब पॉजिटिव आ सकता है, जब वो सेम साइन के हो। अगर हम दो पॉजिटिव संख्या लें उनका मल्टीप्लाई करें तो आप देखोगे वो पॉजिटिव आएगा, या दोनों संख्याएं नेगेटिव लें तब भी उनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही आएगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब साफ है कि Q1 एंड Q2 आर सेम साइन, जिस चिन्ह का, जिस साइन का Q1 है उसी का Q2 है, मतलब या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। और आप जानते हैं कि अगर दोनों के साइन एक जैसे हों तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, रिपल्स। ठीक है, यहां देखना दो चार्ज है Q1 और Q2, इनका मल्टीप्लाई नेगेटिव है। आप सोचिए दो नंबर है हमारे पास Q1 Q2, उनका मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आ सकता है, दो नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आ सकता है, जब वो दोनों कैसे हो, अपोजिट साइन के। मींस यहां Q1 एंड Q2 डिफरेंट डिफरेंट साइन के हैं, तो यहां जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन। क्लियर है, आंसर लिख लीजिएगा तो वो क्या अपने हिसाब से। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट कौन सी हुई कंजर्वेटिव है, सेकंड क्वांटाइजेशन है, थर्ड लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। फोर्थ देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर फोर कह रहा है कि अगर आप ऐसा, चलो मैं आपको पहले एग्जांपल समझा दूं कि मेरे पास दो स्पेयर मान लो, कोई भी शेप मान सकते हो जो आपको अच्छा लगे। एक तो कंडक्टर है और एक इंसुलेटर, दो स्पेयर है, फर्स्ट इज कंडक्टर एंड सेकंड इज इंसुलेटर, दोनों सॉलिड स्पेयर मान लो, चलो मैं हॉलो नहीं ले रहा हूं, मैं सॉलिड स्पेयर है ना। अब सोचिए मेरे पास कोई चार्ज है तो मैंने इनको चार्ज दिया, दोनों को मैं चार्ज दे रहा हूं,
मान लो पूरा चार्ज बहुत ढंग से फैल गया पूरे सिस्टम में, चार्ज फैल गया ना। अच्छा अब आप सोचिए ये सारे चार्ज मैंने स्मॉल स्मॉल चार्ज मान लिए सब बहुत सारे, क्या ये सारे चार्ज आपस में रिपल्स हो रहे होंगे? इनमें रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा, इनमें भी रिपल्सन है, इनमें भी रिपल्सन। कंडक्टर की क्वालिटी है कि चार्ज इनमें फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर की क्वालिटी होती है कि इनमें कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होता। तो देखिए इनमें रिपल्सन रिपल्सन लगते लगते फ्लो होगा फ्लो होगा फ्लो होगा, आफ्टर सम टाइम क्या ये चार्ज दूर होते 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 सर्वे से पहुंच जाएगा। आप सोचो आपने चार्ज अंदर तक दिया, मान लिया आपने दिया, पर इनमें रिपल्सन फोर्स लगा तो कुछ देर बाद ये सीन होगा नहीं होगा, बट इन इंसुलेटर क्या चार्ज फ्लो होता है क्या? नहीं। तो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहे। तो पॉइंट ये बनता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज पॉसिबल ओनली एट सरफेस। जो कंडक्टर है उनमें चार्ज केवल कहां 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 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पर। व्हाट एन इंसुलेटर, इट इज इन ऑल वॉल्यूम। इंसुलेटर अगर है तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज जाएगा, ध्यान रखें। तो पॉइंट नंबर आप चार लिखें, पॉइंट नंबर वन रखिए, इन कंडक्टर, पॉइंट नंबर चार में लिखिए भाई, इन कंडक्टर, इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ओनली सरफेस। इन कंडक्टर, इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट सरफेस। इन कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट सरफेस। व्हाट एन इंसुलेटर, व्हाट एन इंसुलेटर एट कंडक्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली एट सरफेस। व्हाट एन इंसुलेटर, इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। व्हाट एन इंसुलेटर, इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम। और देखो इसमें कंडीशन है, इंसुलेटर सॉलिड होना चाहिए, अगर होलो इंसुलेटर हुआ खोखला हुआ अंदर से तो फिर अंदर चार्ज नहीं जाएगा ना। ये हुआ पॉइंट नंबर चार। नेक्स्ट डायग्राम की इच्छा हो तो बना लो और नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर पांच, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास में दो स्पेयर है, इसकी रेडियस मान लो आर है और इसकी रेडियस भी कितनी मान ली मैंने आर, दो आर रेडियस के स्पेयर है। सपोज इस पर प्लस 20 माइक्रो कूलम चार्ज है एंड इस पर माइनस 10 माइक्रो कूलम चार्ज है। दो स्पेयर है, दोनों की रेडियस इक्वल मान ली मैंने आर आर, एक पर प्लस 20 माइक्रो कूलम एंड दूसरे पर माइनस 10 माइक्रो कूलम है, अलग अलग सेपरेट रखे हुए। नाउ वी कनेक्ट बोथ स्पेयर, दोनों को मैं टच कराता हूं। जब आप टच कराओगे तो जब दो कंडक्टर टच होते हैं तो एक की तरह व्यवहार करते हैं भाई, तो जब आप टच कराओगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस 20 और माइनस 10 कितना आएगा? प्लस 10। भाई दो अलग अलग स्पेयर आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, उन पर अलग अलग चार्ज भी है, तो जब आप उनको कनेक्ट कराओगे तो टोटल चार्ज उन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा चार्ज, तो प्लस 20 और माइनस 10 कितना आ जाएगा? प्लस 10। फिर टच कराने के बाद मैं इनको सेपरेट करता हूं, तो सेपरेट करेंगे तो अब टोटल चार्ज कितना है इनके पास में? 10 माइक्रो कूलम, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और याद रखना कि चार्जों का जो डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्जों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो होगा रेडियस के रेशियो में, तो 1:1। टोटल चार्ज कितना आया? 10, और 10 का 1:1 का मतलब आधा आधा, तो इसका जो नया चार्ज है वो कितना आ जाएगा? प्लस 5 माइक्रो कूलम, और इसका भी नया कितना आ जाएगा? प्लस 5 माइक्रो। क्लियर है? तो आप एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिखिए,
लिखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज इन रेशियो ऑफ रेडियस, इज इन रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस। एक पॉइंट और देख लीजिए लास्ट चलो, पॉइंट नंबर सिक्स ये कहता है कि मान लो इस बॉडी पर 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, कब, जब ये बॉडी रेस्ट में थी, जब ये बॉडी रेस्ट में। अब ये बॉडी अगर मूव करने लग जाए तो बताओ चार्ज पर क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो चार्ज पर बच्चों कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चार्ज दैट इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, चार्ज है वो कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों बढ़ाया जाता है ये वो सुनना ध्यान से। मास जो होता है फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट ऑफ 1 माइनस, तो जो फॉर्मूला है वो है m इज इक्वल टू m नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। हियर m नॉट इज द रेस्ट पोजीशन में जो मास है वो है, और m मूविंग कंडीशन में जो मास है वो है। आप इस फॉर्मूले से देखिए, अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, पहली बात तो जो स्पीड है ना वो लाइट के कंपैरिजन होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड ऐसी हुई तो चूंकि नीचे बहुत बड़ी संख्या है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो देखो वी स्क्वायर बढ़ेगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बढ़ेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कम होगा, ये डिक्रीज हुआ। अगर नीचे वाली चीज डिक्रीज हुई तो एम में क्या आ जाएगा, एम इंक्रीज होगी। याद रखिएगा जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो मास इंक्रीज होता है, चार्ज नो चेंज, इस पर कोई फैक्टर नहीं आता। और तीसरी सबसे बात, जो स्पेसिफिक चार्ज है क्यू अपॉन एम, जो स्पेसिफिक चार्ज है क्यू अपॉन एम, क्यू चेंज नहीं हुआ और एम इंक्रीज हुआ है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो आप पॉइंट नंबर छह लिखिए, देखो द चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट स्पीड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट स्पीड। क्लियर, नोट लगाओ नीचे, नोट में लिखो इफ वी इंक्रीज स्पीड, इफ वी इंक्रीज स्पीड देन मास इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज स्पीड देन मास इंक्रीज कॉमा चार्ज हैज नो इफेक्ट देन वी इंक्रीज स्पीड मास इंक्रीज चार्ज हैज कॉन्स्टेंट एंड स्पेसिफिक चार्ज, एंड स्पेसिफिक चार्ज ब्रैकेट में क्यू अपॉन एम डिक्रीज, एंड स्पेसिफिक चार्ज क्यू अपॉन एंड डिक्रीज। तो आज की इस वीडियो में हमने चार्ज बढ़ा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे चार्ज से रिलेटेड जितनी भी रूल्स हैं, ठीक है, उन सब की बात करेंगे। क्लियर, थैंक यू। Thank you.